देश दुनिया के गुरुद्वारों का प्रबंध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, लेकिन पिछले दो दशकों से हरियाणा की सिख संगत चाहती थी कि हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंध हरियाणा के लोगों को यानी हरियाणा कमेटी को मिले। इसके लिए संघर्ष चलते रहे, उसमें बलजीत सिंह दादूवाल भी संघर्ष करते रहे। अब सरकार ने एक तरह से हरी झंडी दी है और एडहॉक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंध करने के लिए, लेकिन उससे कहीं ना कहीं खफा दिखाई दे रहे हैं बलजीत सिंह दादूवाल। जिस दिन कमेटी का गठन हुआ उस दिन भी बायकॉट करके चले गए थे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे साहब, उस दिन भी आप बायकॉट करके चले गए थे, क्या वजह रही? देखो, अज जिहड़ा साडा कुरुक्षेत्र दी धरती ते इत्थे पातशाही छेवीं नतमस्तक होना ते नवे ते पुराने मैंबर साहिबानां दा इत्थे पुज्जना, असीं अरदास करके धर्म प्रचार की लहर शुरू करन वास्ते आए हां। अज मैं किसी नूं कुछ नहीं कहना चाहुंदा, मैं सिर्फ उस दिन जिस दिन इलैक्शन होई सी उस दिन अपना इतराज़ जिहड़ा सी उह प्रधानगी ते यार कर दिता सीगा कि किसी महंत नूं इस कमेटी का प्रधान जिहड़ा उह ना बनाया जावे, उस नूं असीं प्रवान नहीं करदे। तो अज जिहड़ा हैगा साडा इह मसला नहीं आ, अज असीं धर्म प्रचार की लहर शुरू करन वास्ते सारे आए हैं एकमुठता दे नाल। साडे नवनियुक्त मैंबर नाल सरदार सुखविंदर सिंह मंडेबर ने जमुनानगर तो ने, सरदार प्रकाश सिंह साहूवाला जो सिरसा तो ने, सरदार तजिंद्रपाल सिंह जी नारनौल महेंद्रगढ़ तो ने, सरदार मलकीत सिंह पानीपत वो भी पुजे हुए आ, होर जिहड़े पुराने मैंबर साहबान साडे मीत प्रधान सरदार स्वर्ण सिंह रतिया ने, बीबी बलजिंदर कौर खालसा ने, और इस तरह सरदार सोहन सिंह गरेवाल ने, सरदार गुरपाल सिंह गोरा ने, गुरप्रसाद सिंह फरीदाबाद ने, सरदार जगतार सिंह तारी ने, और साडे सरदार चरण सिंह जी प्रेमपुरा जिहड़े NRI विंग USA दे प्रधान ने, और ये सारे पुराने मैंबर साहबान, और नाल साडे बाबा वरिंदर सिंह सलपाणी तो आए हुए ने, सरदार उमराव सिंह चीना ने, सरदार लखविंदर सिंह सतगोली ने, सरदार गुरदेव सिंह मल्ली और सरदार गुरबीर सिंह तलाकौर ते होर बहुत सारे सिंह जिहड़े आ, अज असी सारे ने इत्थे अरदास करके धर्म प्रचार की लहर आरंभण वास्ते आए हैं। जिहड़ा साडा इतराज़ सी असी हरियाणा सरकार माणयोग मुख्यमंत्री साहब दे अगे रख चुके हैं, हुण उस मंग नूं पूरा करना ना करना वह मुख्यमंत्री साहब की मर्जी है, हरियाणा सरकार की मर्जी है, पर असी अपना इतराज़ जिहड़ा वह इलैक्शन वाले दिन जाहर कर चुके हैं। असी हुण प्रचार प्रसार वास्ते संगतां 'च जा रहे हैं, जिथे भी संगतां सानूं बुलाउणगियां असी हाज़र होवांगे, सारे मैंबर साहबान आपू अपने इलाकों 'च प्रचार करनगे, धर्म का प्रचार ते प्रसार करना, पतत पुणा नशियां तो नौजवानां नूं रोक के गुरु ग्रंथ साहिब ते लड़ लाउणा, और देश कौम धर्म की सेवा वास्ते तत्पर करना, एक भाईचारक सांझ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोधी जैनी सारे एक भाईचारक सांझ नूं परपक करना, जिहदे नाल देश कौम ते धर्म की जिहड़ी आ तरक्की हुंदी आ, उहदे वास्ते अज असीं गुरु के चरणां 'च अरदास कीती है। इत्थे सब जादियां दा शहीदी देणे आ, ते गुरद्वारा एक्ट 2014 अनुसार जिहड़ा साडा हैड ऑफिस है वो गुरद्वारा साहब पातशाही छेवीं है, तो इतने असी अरदास करके अज जिहड़ा हैगा इस लहर नूं होर प्रचंड करन वास्ते जिहड़ा हैगा उह तुरे। तो धर्म प्रचार की आपने बात कही, धर्म प्रचार पहले भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। यमुनानगर में आप बता रहे हैं कि आपके 2-3 कार्यक्रम रखे गए थे, आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं जो मंत करमजीत पर जो एडहॉक प्रधान है कि प्रोग्राम रोके जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो कैसे जानकारी आई? धर्म प्रचार पिछले 28 सालों तो मैं कर रहा हाँ, इस तरह यमुनानगर दियां सभा सोसाइटियां संगतां ने मेरे कोल अज रात का 26 दिसंबर का प्रोग्राम भी सब्जी मंडी दे विच यमुनानगर ते एक प्रोग्राम होर खुले पंडाल दे विच सिख संगतां ने लिया होया सीगा, बकायदा उहदे पोस्टर भी लग चुके आ, फ्लैक्स बोर्ड भी लग चुके पूरे यमुनानगर दे अंदर, पर महंत जिन्हां नूं प्रधान बनाया गया हुण हरियाणा कमेटी दा हरियाणा सरकार वल्लों, उन्हां दे चेलियां ने धमकियां दे के प्रबंधकां नूं दबाव बना के उह धर्म प्रचार दे प्रोग्राम कैंसल करवाए जा रहे कि इत्थे दादूवाल नहीं आउणे, जदों कि बकायदा फोटोआं लग के पोस्टर ते फ्लैक्स लग चुके आ जिन्हां 'च मेरी हाज़री उत्थे सी, असीं करवाउणा ते धर्म प्रचार सीगा, गुरद्वारिआं दा प्रबंध सुचज्जा करना, पर महंत जी धर्म प्रचार नूं रोकण तुर पए आ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਹਸਰ ਹੋਇਆ वो उन्होंने याद रखना चाहिए। तो सिर्फ यमुनानगर में रोका है या कहीं भी हरियाणा में आप जाएंगे वहाँ भी इस तरह का प्रयास रहेगा या इस तरह की कोई जानकारी? देखो महंत जी के चेलिया ने कहा कि असी तो दादूवाल नूं पूरे हरियाणा च नहीं धर्म प्रचार कर लेना, तो तुसी यमुनानगर च किवें समागम कर सकते हैं? ये तो आने वाले समय च सिख संगतां जवाब देणगियां जदों मैं संगतां दे विच जावांगा,
कि किस तरह महंत दे चेले जेड़े आ प्रबंधकां नूं थां थां ठीक आ उहनां दा डिस्ट्रिक्ट उह कहिंदे वी साडा डिस्ट्रिक्ट आ साडा जिला वा असीं इत्थे प्रचार नहीं कर देणा साडा शहर आ पर वह महंत की जिहड़ी धक्केशाही आ मैं समझदा कि वह सिख संगतां दे सामने आ गई आ हुण जवाब इहदा सिख संगतां देणगियां पर मैं किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहुंदा लड़ाई नहीं चाहुंदा इस करके मैं यमुनानगर अज नहीं जावांगा मैं उन्हां समागमां च शमूलियत नहीं करांगा क्योंकि मैं झगड़ा नहीं चाहुंदा लड़ाई नहीं चाहुंदा पहलां भी असीं जदों इह प्रबंध असीं टकराओ नहीं चाहुंदे महंत टकरा चाहुंदा पर असीं टकरा नहीं चाहुंदे अज उह कहिंदा कि मेरे नाल सरकार आ मैं सरकार दे जोर दे नाल इह जिहड़ा हैगा प्रोग्राम रोकांगा तो असीं किसे तरहां दा टकरा असीं पहलां भी जदों फैसला आया हरियाणा कमेटी दे हक च कानूनी मानता मिली आ असीं गुरुद्वारियां च दर्शन करन गए पर जबरदस्ती किसी का प्रबंध नहीं संभालिया कि टकरा ना होवे असीं टकरा नूं पहलां भी टालिया तो हुण भी असीं टकरा नूं टालांगे पर धर्म प्रचार प्रसारे नूं कदे नहीं कोई रोक सकिया जिहड़े पहलां भी बड़िया ने यतन कीते इहनूं रोकण दे जिहड़ा उहनां दा हशर होया उह महंत नूं उहनां दा भी हशर जिहड़ा उह याद रखना चाहीदा। कमेटी के जब चुनाव होंगे क्योंकि चुनाव का समय तो एडवोक कमेटी है उसमें आप उतरेंगे चुनाव में? बिल्कुल जिहड़ियां सारियां सिख संगतां ने उन्हां नूं असीं उतारांगे भी उन्हां कोले जावांगे भी चंगे गुरसिख जिहड़े आ चुण के हरियाणे दे विचों हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं लियांदे जाणगे हुण भी बहुत सारे मैंबर साहिबान आ मेरे नाल बैठे तुसीं देखो जिहड़े सेवा कर रहे आ प्रचार कर रहे आ जिहड़े योग्यता रखदे आ होर भी बहुत सारे मैंबर जिहड़े इत्थे नहीं पुज सके पर उह भी योग्यता रखदे आ और होर बहुत सारिया संगतों के जोड़े आ चंगे जोड़े योग्यता रखने वाले मैंबर साहबान उन्होंने चुन के जोड़ा लिया जाऊ तो असी संगतान जागरूक करा सिख संगतान के जावे ता कि चंगे गुरसिख जोड़े आ गुरु घर के प्रबंधा लिए आन तो प्रबंध भी सुचजा कर धर्म प्रचार प्रसार भी कर। सरकार आपको इस अडोक कमेटी में अगर कोई पद मनोनीत करती है? देखो पहली गल तो यह कि जो ना पैटर्न ते सरप्रस्त वास्ते मैनू कहा सीगा वो मैं समझदा कि वह गुरमर्यादा दे गुर सिधान दे उल्टिया उसनू मैं प्रवान नहीं कीता मैं मानयोग मुख्यमंत्री साहब नू अपील कर दित्ती सी कि यह पद मैं नहीं लै सकता चोण तो 10 मिनट पहला भी मैनू उन्होंने गलबात कीती सी वो कहिंदे भी इह तुहाडे वास्ते बणाए मैं कहा भी बिल्कुल मैं जिहड़ा हैगा इह पद ग्रहण नहीं करांगा क्योंकि साडी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे सरप्रस्त पैटर्न श्री गुरु ग्रंथ साहब हुंदे आ ते गुरु ग्रंथ साहब की जगह कोई व्यक्ति नहीं लै सकदा जथेबंदियां दे धार्मिक राजनीतिक पार्टियां दे सरप्रस्त पैटर्न तो हुंदे आ व्यक्ति पर जिहड़ी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उहदा पैटर्न व्यक्ति नहीं हुंदा वो श्री गुरु ग्रंथ साहब ने इस कारण करके मैं ये नहीं जे कोई हो योग क्योंकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लिए काम किया वा कर रहे हैं तो करते रहेंगे जे कोई इस तरह के कोई भी किसी तरह का जरूरी नहीं होंगे किसी पद के नाल ही कोई बंदा काम कर सकता असी मैंबर हाँ सारे मैंबर साहबान ने तो असी सारे जिन्हें हाँ असी बतौर मैंबर भी सेवा संभाल दे विच धर्म प्रचार प्रसार दे विच अपना वर्क कर सकते हैं इस कारण करके जरूरी नहीं है कि कोई पद लैके ही कोई बंदा जिहड़ा वो वर्क कर सकता है असीं इह हरियाणा कमेटी लई वर्क कीता पंथ लई प्रचार प्रसार लई काम कीता कर रहे हैं ते करदे रहांगे। तो इनका कहना है कि अपना जो धर्म प्रचार है वो निरंतर जारी रहेगा यमुनानगर में अगर नहीं हो रहा है तो हरियाणा के अलग हिस्सों में या पूरे देश में जहाँ भी चलता रहेगा। आप इनके विचार सुन रहे थे रणदीप रोड पंजाब के सी टीवी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।